छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि विगत चुनाव में कांग्रेस ने बहुत सारी बातें कही थी, उसका कांग्रेस किसी प्रकार का समाधान नहीं निकाल पाई। आजादी के बाद 60 वर्ष से भी ज्यादा इनकी सरकारें थी, इन्होंने किसी तरह का न्याय नहीं किया। छत्तीसगढ़ में विगत 5 वर्षों में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, उसे जनता जानती है। ये न्याय नहीं, अन्याय पत्र है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का न्याय पत्र झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस के दशकों के शासनकाल में देश की सम्मानित जनता को गरीबी और बदहाली ही मिली है। वो लोग जो भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलने की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 70 वर्षों तक देश की तस्वीर और तकदीर के साथ धोखा किया है। देखिए, विगत चुनाव में बहुत सारी बातें थी और उसका भी निश्चित रूप से किसी प्रकार का समाधान नहीं निकाल पाया कांग्रेस ने। सबसे बड़ी बात तो है कि न्याय यात्रा, न्याय संकल्प पत्र, ये सारा चीजों को लेकर और देश को जिस तरीके से आजादी के बाद 60 वर्ष से भी ज्यादा समय में इनकी सरकारें थी, इन्होंने किसी प्रकार का न्याय नहीं दिया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के विगत 5 वर्षों में और जिस तरीके से अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, उसको पूरी जनता जानती है निश्चित रूप से। इसलिए ये एक छलावा मात्र है और अन्याय पत्र है, न्याय नहीं। लेकिन इसमें इनको अपने उन वचनों को भी याद रखना चाहिए जिन वचनों को इन्होंने इसके पूर्व के विधानसभा चुनाव में और 36 वादे छत्तीसगढ़ की जनता को दिया था और जिसपे एक भी वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया।